प्रोटॉन होंगे, ये तो सभी लोग समझ रहे होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी यहाँ चार ही है बेरिलियम के। न्यूट्रॉन्स, इन दोनों का डिफरेंस होगा 9 - 4 - 5, जो कि न्यूट्रल चार्ज होता है। तो एटॉमिक मास जो होता है वो न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का जो सम होता है उसके बराबर होता है। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ये 9 है तो 9 हो गए। क्योंकि न्यूट्रॉन्स हमारे यहाँ पर अगर निकालना चाहें कितने हैं तो 5 आ जाएगा, क्योंकि 9 - 4 तो भी 5, ये न्यूट्रल चार्ज है। फिर आप ये पूरा पूरा बेरिलियम का एक स्ट्रक्चर बताया गया है, ठीक है। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तो एक साथ रहते हैं, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। इसके चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिटल होते हैं जिसमें वृत्ति कक्षाएं होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं उपकोश, या इसके अंदर होते हैं उपकोश जिनमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो ये दो ही लेवल की, जैसे इन्होंने हम लोगों ने दो ही कक्षाएं इसमें हुई, क्योंकि परमाणु क्रमांक चार है तो दो ही कक्षाएं आ पाएंगी। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे अगर आप, एक में दो आएगा, एक में दो आएगा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन आएंगे। देखिए पहली कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन हो गए, स्टेबल है। पहली कक्षा में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो भी नहीं सकते, इसलिए कक्षा कैसी हो गई, स्टेबल। दूसरी में दो इलेक्ट्रॉन आ गए, लेकिन दूसरी कक्षा में मैक्सिमम 8 होते हैं, ये कैसा है, अनस्टेबल है। तो इस तरह से कोई भी एलिमेंट जब कोई अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होने के केस में ही वो केमिकल बॉन्ड बनाता है। ये बात समझ में आ रही है, क्यों? क्योंकि टू बिकम स्टेबल, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। अब स्टेबल बनाने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन दे देगा या इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। तो इस बेस पर जो बॉन्ड होता है वो दो तरह के होते हैं, शेयरिंग के बेस पर कोवेलेंट और देने या लेने के बेस पर आयनिक, ठीक है ना। अब देखिए कोवेलेंट बॉन्ड होता है बॉन्ड बिटवीन एटम्स वेयर इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड। जब परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अपने आप को स्टेबल करने के लिए ही इलेक्ट्रॉन जो है भरते हैं। एग्जाम्पल में जैसे O2 है, दो ऑक्सीजन एटम इसमें जुड़े हैं, ऑक्सीजन गैस एक मॉलिक्यूल है, ठीक है बेटा। तो ऑक्सीजन के दो परमाणु जुड़ करके O2 मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड। अगर ध्यान से देखिए तो ऑक्सीजन में प्रोटॉन 8 है, इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे, न्यूट्रॉन भी 8 होंगे। दोनों ऑक्सीजन का हम लोग स्ट्रक्चर देखें, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन चूंकि बीच में होंगे यानी नाभिक में होंगे, और इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन 8 है तो इलेक्ट्रॉनों को हम लोग भरेंगे इसमें। पहली कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन भर दिया गया जो कि स्टेबल है, ये बात सबको समझ में आ रही। दूसरी कक्षा में हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे 6 है जो कि अनस्टेबल है, 8 होने चाहिए। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, ये शेयरिंग करेगा ना, स्थायित्व को बनाने के लिए या तो शेयरिंग करेगा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन त्यागना बड़ा कठिन काम है। कठिन है कि नहीं, तो आप लोग अभी म्यूट रहिएगा, केवल हमारी आवाज सुनिए और इसको देखिए। तो अगर दूसरा ऑक्सीजन भी अगर बनाएंगे तो सेम स्ट्रक्चर होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर। इसके चारों ओर भी दो कक्षाएं, इलेक्ट्रॉनों का वितरण भी एक जैसा होगा। पहली कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन देखिए येलो में है जो स्टेबल है, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन जो अनस्टेबल है। अभी क्या करेंगे, ये आपस में शेयरिंग करेंगे, है ना। शेयरिंग करेंगे कैसे, अनस्टेबल और स्टेबल, जो कि दोनों ही कक्षाएं बाहरी कक्षाएं अनस्टेबल हैं, दोनों को ही दो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये आपस में ऐसे साझेदारी करेंगे। इस तरह से साझेदारी हुई, दो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन 1 के और दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन 2 के साझा जब हुआ, तब जाकर के इन्होंने एक कंप्लीट अपना ऑक्टेट पूरा किया, यानी पहला वाला स्टेबल है क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह अगर आप गिनेंगे दूसरी कक्षा में तो 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 इस ऑक्सीजन के पूरे हो गए। सिमिलरली दूसरे ऑक्सीजन के भी पहले में दो स्टेबल और दूसरे में 8, वो भी स्टेबल होगा। यहाँ मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं आएगी,
केमिकल बॉन्ड में कोवेलेंट ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है फिगर से कि पहले में दो हो चुके, दूसरी में काउंटिंग करने पर भी 5, 6, 7, 8, 8 इलेक्ट्रॉन दोनों के पूरे हो गए। तो इस तरह से हमारे कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड साझेदारी से बने ये। इस तरह से अब इस तरह से आपस में शेयरिंग करके ये मूव करते रहेंगे, हर बार इसी तरह इलेक्ट्रॉन दो उधर चला जाएगा, एक बार दो इसका इसमें आ जाएगा। ये निश्चित नहीं है कि कौन किसका इलेक्ट्रॉन किसमें घूम रहा है, देखिए ऐसे घूमते रहते, मूवमेंट ऐसे रहता है और मॉलिक्यूल इस तरह से एक्टिव बना रहता है। बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा बोलिए भाई, कुछ और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। अदर एग्जाम्पल में आयनिक बांड का है, बांड वेयर वन एटम, जहां पर एक इलेक्ट्रॉन कोई लेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला दूसरा इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला। तो दोनों ही अपने आप को स्थायी बनाने के लिए होता है। एक एग्जाम्पल में हम NaCl लेते हैं, यहाँ आप देख रहे होंगे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, प्रोटॉनों की संख्या 11 है, बहुत ही आसान था है। तो इतने ही इलेक्ट्रॉन भी इसमें होंगे, यानी 11 प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन भी, बिल्कुल क्लियर है ये बात। एटॉमिक मास 23 है क्योंकि 11 और प्रोटॉनों की संख्या जोड़ने पर 23 ही आएगा, ये बात सबको क्लियर है। एटॉमिक मास तो टोटल 23 आ गए। अब इसमें हम देखेंगे जब परमाणु क्रमांक परमाणु भार हमारा जो है सब कुछ ज्ञात है, इसी तरह हम ध्यान देखेंगे न्यूट्रॉन प्रोटॉन बीच में आ गए यानी नाभिक में, इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं हैं। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन अगर बांटे तो दो ही आएंगे मैक्सिमम, जो कि स्टेबल हो गई। दूसरी कक्षा में आएंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरी कक्षा भी स्टेबल हो गई, और सबसे अंतिम कक्षा जो है 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा जो कि अनस्टेबल है। ध्यान से देखिए, अगर आपको पहली स्टेबल, दूसरी स्टेबल, तीसरी अनस्टेबल यानी अस्थाई। अब ये स्थाई को पाने के लिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ही ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा ये, है ना, तो इलेक्ट्रॉन देने के कारण इस पे पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा। तो जिसको इलेक्ट्रॉन देगा उसको हम देखते हैं, यहाँ क्लोरीन लिया गया, परमाणु क्रमांक है 17, प्रोटॉनों की संख्या है 17, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 17 ही होगी। अगर न्यूट्रॉन तो हमारे जानते हैं कितने होंगे, 18 ही होंगे, क्योंकि 35 में 17 करेंगे तो 18 आएंगे, क्योंकि इनका सम तभी 35 आएगा। अब इनका भी स्ट्रक्चर देखें तो क्लोरीन के केस में भी प्रोटॉन 17 है और यानी पॉजिटिव चार्ज 17 है, न्यूट्रॉन हमारे 18 है, ये दोनों नाभिक के रूप में आ गए बीच में, चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या वितरित करें, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम इस तरह से भरते जाएंगे, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में हमारे 7 बचे तो 7 इलेक्ट्रॉन भर दिया। इन क्लोरीन की संरचना के बारे में देखें तो पहला स्थाई है, पहली कक्षा 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट फुल है, दूसरी कक्षा जो है, पहली कक्षा स्थाई हो गई क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी भी स्थाई क्योंकि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरी अस्थाई क्योंकि उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से देखें तो सोडियम का अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन वही अस्थाई, क्लोरीन का अंतिम कक्षा में 7 वो अस्थाई, सोडियम को 7 चाहिए लेकिन वो लेगा नहीं, देगा, जबकि क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो अगर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दे तो उसके अंतिम कक्षा में 8 रह जाएंगे। तो क्योंकि हमारा आयनिक बॉन्ड कहलाता यही है कि इलेक्ट्रॉनों का एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा यानी लूज करेगा। तो देखिए सोडियम इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, क्लोरीन में पहुंच गया वो इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के अंतिम कक्षा में 8 पूरे हो गए, अष्टक पूरा हो गया, आपको सामने दिख रहा, देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गया, सोडियम का इलेक्ट्रॉन ये आपका पहुंच गया
ये देख रहे होंगे आप इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया था और इसी के साथ जो है यहाँ पे एक कक्षा जो थी वो गायब हो गई, ये वाली कक्षा जो थी वो क्या हो गई, गायब हो गई। तो अब इस तरह से अगर आप देखेंगे तो हमारा सोडियम भी क्लियर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और क्लोरीन भी ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, स्थायित्व को उसने प्राप्त कर लिया। तो इस तरह से हम दोनों कक्षाओं को देखेंगे तो सोडियम भी कंप्लीट और ये इस तरह से हमारा NaCl बना। लेकिन चूंकि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया धन आवेश, और जबकि क्लोरीन जो है अभी इलेक्ट्रॉन ले लिया जिसे हम क्लोराइड बोलेंगे, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने के कारण इस पर एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से पॉजिटिव निगेटिव चार्ज बन गए, इसी को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इस तरह से बनते हैं, एक इलेक्ट्रॉन देना और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने वाला। देखिए कुछ इस तरह से हम आयनिक बॉन्ड को दिखाते हैं। तो अगर आप समझ गए होंगे कोवेलेंट में साझेदारी से, और जबकि आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनने वाला बंध हमारा आयनिक बॉन्ड कहलाता है। स्थानांतरण का मतलब इलेक्ट्रॉन देना या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉन देखिए बना, यहाँ एक एग्जांपल देख रहे होंगे मीथेन और यहाँ NaCl, दोनों में डिफरेंस है, एक में शेयरिंग है एक में इलेक्ट्रॉन डोनेशन है, दोनों ही स्टेबल होना चाहते हैं उसमें मालूम। देखिए जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो बेसिकली एक सेमी पोलर बॉन्ड कहलाता है, इसे हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर देखिए कि एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। डेटिव बॉन्ड क्या होते हैं, एटम विच कंट्रीब्यूट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर शेयरिंग कार्ड, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जो लोन पेयर डोनेट करे उसे ही हम बोलते हैं डेटिव बॉन्ड, ठीक है कि नहीं बताइए। ये बात सबको समझ में आ रही, देखिए यहाँ से डोनर ने लोन पे डोनेट किया दूसरे ने ले लिया, तो इस तरह से हमारा जो है लोन पेयर के देने से जो बॉन्ड बना वो हमारा कहलाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अगर इसका एग्जांपल लिया जाए तो कैसे इसको हम देख सकते हैं, एक एग्जांपल लेके इसको समझने का प्रयास करते हैं, जैसे अमोनिया का है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है जो एडिशनल एक साथ है, और हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन आयन के रूप लिया गया है जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है ना बेटा। नाइट्रोजन क्या करेगा कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, देखिए इस तरह से आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो NH4 प्लस आयन बनता है क्योंकि उसने लोन पेयर एक हाइड्रोजन आयन को दे दिया। ऐसे बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं जहां पर ये देखेंगे कि जैसे O3 मॉलिक्यूल है ना, इसी तरह से और भी चीज देखते हैं। अगर आप इसको यूज करेंगे तो जैसे देखिए कि एग्जांपल के रूप में लिया गया है यहाँ अमोनियम आयन का ही है, बार बार ऐसे हम कई ढेर सारे एग्जांपल ले सकते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का ले सकते हैं, ऑक्सीजन में अगर हम O3 कर दें ओजोन है ना, तो उसको भी हम कर सकते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि ज्यादातर जो कोवेलेंट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो गैस लिक्विड होते हैं जो कि वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से बंधे होते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड ये बहुत ज्यादा होते हैं कोवेलेंट से भी। कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो है सॉल्युबल होते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट में जैसे बेंजीन हो गया इन सब में, इसी तरह इन सॉल्युबल होते हैं ये पोलर, जैसे वाटर हमारा क्या होता है पोलर सॉल्वेंट है, इसमें सॉल्युबल होते हैं। इसी तरह से कुछ और है हम ले सकते हैं इसकी प्रॉपर्टीज में कि ये जो है ढेर सारे एग्जांपल, जैसे मान लीजिए फार्मेसर आप अमोनिया बोरान ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल, जैसे देखिए अमोनिया बोरान ट्राइफ्लोराइड नाइट, अमोनिया के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है BF3 में, बोरान के पास एक भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ दो इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ये यानी एक डोनर हो गया और एक हो गया एक्सेप्टर। इस तरह से हमारा जो मॉलिक्यूल बना वो हमारा कहलाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसी तरह और भी एग्जांपल हम ले लें,
यहाँ पे देखिए H2O है और एक हाइड्रोजन और जोड़ दे हम, एक और हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो बन जाता है H3O+, है ना, या NH3+, NH4+, यहाँ पे थोड़ा। तो इस तरह से आपने देखा इसमें, और किसी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है कि जो हमारा जो डोनेशन हो रहा है, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हम जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा जो है डोनेट किया जाता है किसी, और जिसके जरिए हमारा जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। अब बताइए कुछ और पूछना चाहते हैं आप लोग? नो सर, तो इस तरह से हमारे कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो तीनों ये आयनिक, इलेक्ट्रोवेलेंट और कोवेलेंट हमारा ये खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे पोलर कोवेलेंट कंपाउंड ये सब भी पढ़ना चाहे तो मैं आपको एक थोड़ा फास्ट एक और दिखा देते हैं, थोड़ा सा रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। रिवीजन करेंगे सब आयनिक कोवेलेंट और या इसके बॉन्ड के लिए। यस सब सर। इलेक्ट्रॉन देने वाला वो मेटल, जो लेने वाला है वो नॉन मेटल है, ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि थोरियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है, क्लोरीन का 287 पहले भी बता चुके हैं। एक इलेक्ट्रॉन सोडियम दे देता और क्लोरीन ले लेता है, इस तरह से जो है आपका एक आयनिक बॉन्ड बनता है। सर जी बताइए। सर मतलब ये हम मतलब ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो सर इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होना जरूरी है सर। हाँ इसीलिए तो कहा हमने, तो अभी हम लोग इसकी बात करते हैं, और थोड़ा सा सर इसको कवर कर लें, इसके बाद आखिरी में बात करते हैं मान लो, ठीक है? देखते ओके सर हैं, अभी देखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन याद होना बहुत जरूरी बेटा जी। यहाँ देखिए सोडियम क्लोराइड का बनना, कॉन्फ़िगरेशन में अब कितना रह गया सोडियम आयन का, 2-8, क्लोरीन का 2-8-8। तो मतलब स्टेबल स्थायित्व को पाने के लिए ही ये बॉन्ड बनते हैं बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, तो इसे हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। इस वीडियो को मैं आपको आज अपलोड भी कर दूंगा आपके इसमें ग्रुप में, तो आप लोग उसमें भी देखिएगा ध्यान से सभी लोग। जी तो बताइए, इसमें कोई समस्या तो है नहीं किसी को? सोडियम आयन का बनना, ये NaCl है, देखिए NaCl का स्ट्रक्चर जो होता है ये साल्ट स्ट्रक्चर हम बोलते हैं इसे, ऐसा बनता है क्यूबिक स्ट्रक्चर। अगर आप पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट में तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है ये। अब देखिए कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में आते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में अगर हम लोग चर्चा करें, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन शेयरिंग से बन रहे हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं। अभी जैसे मान लीजिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स अगर होगा तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, इस तरह से बनेगा। देखिए हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो आपस में शेयर कर लेंगे तो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बना। तो बेसिकली ये समझ में आता है कि जो हमारे जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो हमारा सबसे ज्यादा शेयरिंग पे होता है। दो तरह के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, जैसे अगर इलेक्ट्रॉन पेयर के बेस पर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर। तो हम लोग एक बार फिर से देखते हैं उसको। स्क्रीन सबको दिख रही है? नहीं बस, अच्छा, सॉरी हट गई, कोई बात नहीं। तो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में आ गए, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन पेयर के बेस पर हम डिसाइड करते हैं।
सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड उसे बोलते हैं जहां एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, सिंपल जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो ये यहाँ पर वन इलेक्ट्रॉन सर पेयर आवाज नहीं है, आ रहा है सर। तो यहाँ पर देखिए आ रही वन है सर? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर वन है, वहां आपके बेटा नेट में प्रॉब्लम होगी, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। वीडियो चल रहा है सर ना। देखिए हम बोल तो रहे नहीं, ये वीडियो है, ये देखिए आप ध्यान से, ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉन, ये आपस में क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं। शेयरिंग करने के बाद में दो बॉन्ड बना, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए, दो। इसी तरह दो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बना थे, ओ टू मॉलिक्यूल बने। सिंगल था तो छह थे, जब डबल हुए तो आठ आठ हो गए, इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। शेयरिंग ऑफ थ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर हो जाए, एग्जांपल क्या है, एन टू, थ्री इलेक्ट्रॉन्स का एग्जाम्पल एन टू है, यहाँ पे थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर एक साथ आ जाते हैं। देखिए ध्यान से कैसे शेयरिंग कर रहे हैं, नाइट्रोजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन पांच होते हैं जो कि अस्थायी है, शेयरिंग के बाद तीन तीन इलेक्ट्रॉन लेके आठ हो जाते हैं, है कि नहीं है सर, ऐसा होता है तभी तो आगे बढ़ गई है, तो इसलिए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बने। अब कोवेलेंट बॉन्ड में शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर की टेंडेंसी के बेस पर कोवेलेंट बॉन्ड जिसे हम बोलते हैं पोलर बॉन्ड, उसके बारे में चर्चा करते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींच लेते हैं भाई, अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रो निगेटिव होते हैं, इसी के बेस पर हम पाते हैं पोलर, और जो नहीं हो पाता उसे नॉन पोलर। इलेक्ट्रॉनों खींचने वाले के बेस पे है कौन इलेक्ट्रॉन ज्यादा अपनी तरफ ले ले रहा है, अनइक्वल शेयरिंग होगी तो पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज बन जाएंगे, और अगर इक्वल शेयरिंग होती तो चार्ज नहीं बनते हैं। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव अगर एटम होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा होती है, मोर पुलिंग पावर होगी, है ना। अनइक्वल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस के कारण ऐसा होता है। जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन में हाइड्रोजन पॉजिटिव नेचर वाला है और फ्लोरीन निगेटिव, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन पुलिंग की टेंडेंसी ज्यादा होती, मोर पावर है पुलिंग पावर, इसलिए इसमें बीच जो बॉन्ड बनेगा वो पोलर नेचर होगा, यानी पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पर और पार्शियल निगेटिव फ्लोरीन पर, इन्हें हम बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर और नॉन पोलर भी इसीलिए पढ़ा दे रहे हैं क्योंकि अभी इसके बाद आप लोग बाकी नोट से पढ़िएगा, ध्यान दीजिए, कुछ इस तरह से हो गया, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हाइड्रोजन से फ्लोरीन की तरफ जा रहा है, सब बहुत ध्यान से इसको देखें। हाइड्रोजन ग्रुप वन में है, एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो डोनेट कर देगा, फ्लोरीन ग्रुप सात में है, सात बैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो अनइक्वल शेयरिंग होने के कारण, चूंकि फ्लोरीन बहुत निगेटिव है तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ले लेगा, शेयरिंग तो होगी लेकिन इलेक्ट्रॉनों का फ्लो जो है फ्लोरीन तरफ ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है, आवर्त सारणी में हम लोग पढ़ चुके हैं ये प्रॉपर्टी, है ना, ये बात समझ में आ गई। तो एक ही इलेक्ट्रॉन की है लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण ये बॉन्ड जो है पोलर बन गया, नॉन पोलर हम लोग पढ़ ही चुके हैं अभी,
जैसे हाइड्रोजन के बीच भैया को एकदम दोस्ती का बिल्कुल एकदम यारी दोस्ती है, न इधर न उधर, बिल्कुल बीच में इलेक्ट्रॉन बने रहे। इसे हम बोलते हैं इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, दोनों भाई जैसे, एक जैसा चेहरा, एक जैसा नेचर, कोई आपस में लड़ाई नहीं, कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं, तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी एकदम बराबर। इसे हम बोलते हैं इक्वल शेयरिंग। इसके जरिए बनता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और आगे भी आप, अभी हम इसे ढेर सारे बॉन्ड के बारे में, हम लोगों जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में भी पढ़ा, तो कई चीजें आपको मिलेंगी इसमें, और भी आप देखना चाहें तो और भी हम लोग इसमें और आगे स्टडी करते हैं। तो इससे आपको सर एक एकदम सिम्मा बॉन्ड भी तो होता है। सिंगल बॉन्ड को ही बेटा सिग्मा बोलते हैं, उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे, और डबल बॉन्ड अगर आ गया तो पाई बॉन्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मान लो यस सर, सिंगल बॉन्ड थैंक यू सभी सर। हमारे जो हैं इक्वल शेयरिंग से जो बनते हैं बेटा, वो सब सिग्मा होंगे, है ना। सिग्मा वहीं पे यस आते सर, हैं, सिर्फ सिग्मा और पाई बॉन्ड की जो स्टडी होती है वो पोलर में नहीं हो सकती, हम नॉन पोलर में ही करते हैं, यानी सिग्मा और पाई ये चर्चा हम कोवेलेंट बॉन्ड के, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में ही करते हैं। जैसे यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच अगर एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है तो सिग्मा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच अगर हम ले लेंगे एग्जाम्पल तो डबल बॉन्ड तो बनेगा, जिसमें पाई। एक सिग्मा होगा और एक पाई। सभी सिंगल बॉन्ड सिग्मा है बेटा, है ना, कोवेलेंट सभी बॉन्ड में। डबल बॉन्ड पाई हैं। और अगर डबल बॉन्ड एक सिंगल के बाद दूसरा बॉन्ड आ गया तो वो पाई। जैसे हमने कह दिया कि दो दोस्त हुए, जैसे मान लीजिए दो घरों में शादी हो रही, लड़के लड़की, तो उनके बीच बॉन्डिंग हो गई, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, तो बाकी लोग भी पार्शली जुड़ जाते हैं, एक परिवार दूसरे परिवार से जुड़ ही जाता है, लेकिन मजबूत बॉन्डिंग क्या है, यस लड़के सर, और लड़की में है। तो उसी तरह से सिग्मा बॉन्ड बहुत मजबूत होता है, जबकि पाई बॉन्ड पार्शली मजबूत है, मतलब मजबूती है लेकिन अस्थायी रूप से है ना, उतना जिम्मेदारी नहीं है। नहीं समझे, है ना, समझ गए कुछ इस तरह से सर, देखिए। समझ तो गए ये सर। जीवन में भी केमिस्ट्री है। अब देखिए जैसे यहाँ देखिए फ्लोरीन फ्लोरीन है, अब इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी और बॉन्डिंग है, तो सिग्मा बॉन्ड भी इनसे कह सकते हैं, सिंगल बॉन्ड भी, क्योंकि सेम एटम है तो सिग्मा मजबूत होगा, हिला नहीं नहीं टूटेगा, मजबूत जोड़ जिसे बोलते हैं। शादी एक बार हो गई थोड़ी टूट जाएगी, तो इसी तरह से सिग्मा बॉन्ड मजबूत है, पाई बॉन्ड कमजोर होता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, अगर समान गुणों वाला जब तत्व तो होता है, उनमें हमारा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, अगर सिंगल है तो सिग्मा, अदरवाइज डबल है इसके बाद तो पाई, पहले सिग्मा बनेगा तभी पाई बनेंगे, ये रूल है। ठीक है बेटा, तो हम लोग थोड़ा सा सर अभी ये ब्रेक दिया गया। जी बोलिए। सर इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं है सर? न्यूमेरिकल नहीं, देखिए अब आप लोग और आगे देखिए, हम लोग न्यूमेरिकल नहीं, इसी में भी ऐसी बनाने को आता है। तो यहाँ देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, सर, यहाँ देखिए नाइट्रोजन का लोन पेयर कैसे हाइड्रोजन पे जा रहा है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, इसे हम डेटिव या डाइपोलर बॉन्ड। डेटिव मतलब जानते हैं बेटा क्या होता है? डेटिव का मतलब होता है देने वाला, दे भी रहा है, और पोलर तो होगा ही होगा क्योंकि एक पे पॉजिटिव बनेगा एक पे नेगेटिव। यहाँ देखिए एग्जांपल कैसा नाइट्रोजन में चल रहा है, अमोनिया का एग्जांपल है, अमोनिया के पास जो है एक लोन पेयर बच रहा है नाइट्रोजन में, बैलेंस सेल में बच रहा है, इसे हम लोन पेयर। तो बॉन्डिंग में जो अगर अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, अगर वो पेयर के रूप में है ना बेटा, जो किसी से भी साझेदारी में भाग नहीं ले रहे हैं, उन्हें हम लोन पेयर कहते हैं। मेरे ख्याल से लोन पेयर आप समझ गए कि मान लीजिए नाइट्रोजन की अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, तीन उसको चाहिए, कितने, 3 चाहिए, उसने 3 हाइड्रोजन से साझेदारी कर ली तो 8 तो हो गए, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन जिसने साझा नहीं किया वो एक पेयर के रूप में शो करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन जोड़ा।
और ये क्या काम करता है, ये सिर्फ किसी दूसरे को डोनेट किया जा सकता है, यानी डेट टू नेचर का होता है या डोनर नेचर का। तो अमोनिया का स्ट्रक्चर आपके सामने है, आप देख रहे होंगे, बताइए। तो अमोनिया में कोई समस्या तो है नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन की अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो 3 ने तो शेयरिंग कर ली 3 हाइड्रोजन के साथ, 8 हो गए। मगर 2 इलेक्ट्रॉन जो बच गया उसको 2 ड्रॉप ऐसा दिखते हैं, इसे हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, है ना बेटा? ये हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोला जाता है। इसे हम लोन पेयर बोलते हैं, लोन पेयर का। और बाकी जो बॉन्डिंग में भाग लेते हैं पेयर, उन्हें हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। बोलिए, कोई समस्या इसमें? तो बॉन्डिंग सर बॉन्डिंग बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और अभी आप लोग और भी चीजें दे सकते हैं, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं अभी, मान लीजिए यहाँ पर देखिए, जैसे कि एग्जांपल दिया जा रहा है यहाँ, क्या नाम है, यहाँ पर एग्जांपल कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का दिया जा रहा है कि हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब हो गया बेटा कि उसके पास एक बैलेंस, ऐसा हमारा एक ऑर्बिटल है, ठीक है, ऑर्बिटल है जिसमें हमारे उसके 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। पहले थे 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर और नीचे, लेकिन बाद में वो सब गायब हो गए, इसे हम बोलते हैं डेफिशिएंट। तो ये हाइड्रोजन जो है हमारा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। बताइए किसी की समस्या? और ये देख रहे हैं नाइट्रोजन इसको फिर डोनेट कर देगा, तो जो नाइट्रोजन के पास ही था इलेक्ट्रॉन, ये इसको ऐसे डोनेट कर रहा है। कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि इसके पास जो खाली कक्षा थी, अगर ध्यान से देखेंगे तो इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, उसी में ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, है ना। डोनेट करने के कारण ही इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाया है कि नहीं, बताओ बेटा। ये जो बॉन्ड देख रहा है ये, इसे भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, पिंक कलर में नजर आ रहा सभी को? हाँ, जी जुड़े रहिए भैया सभी लोग। अब इसी तरह एग्जाम्पल देखिए H3O+ में भी ये जो बॉन्ड है बेटा, मतलब सब सिस्टम है इसमें। यहां भी देखेंगे तो यहां पर भी देखिए कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है ना बेटा, ये पिंक कलर में। तो कुछ इस तरह से हमारा जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल। अब भैया ऑक्सीजन में 6 होते हैं अंतिम कक्षा में से, चाहिए कितने? 2 ही चाहिए। तो इसने क्या किया, सिर्फ 2 हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ली, है ना बेटा, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ली। यानी एक अगर इसका है, एक इसका है, एक इसका, एक इसका, इस तरह से साझेदारी हुई। लेकिन बाकी जो ये 2 बच गए वो हमारे जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म। तो यानी एक एक इलेक्ट्रॉन हर से शेयरिंग कर लिया वैलेंस शेल से, इस तरह से हमारा जो है ये डोनेट होकर के। अब इसके पास भी डोनेशन नहीं है, लेकिन इसके पास लोन पेयर है। अब ध्यान से देखें तो ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, मैं आपको इसमें गोला बना दे रहा हूं। ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाता है, ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाता है। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं। बताइए कोई समस्या इसमें? नो सर और भी एग्जाम्पल चाहिए क्या? तो यहाँ तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं, लेकिन ये बना सकता है। ये भैया किसके यहाँ पे माइक ऑफ कर लेना बेटा, मानो का तो ठीक है, चलो ठीक।
ऐसे ही। और अगर हम बोलेंगे तो ये हमारे जो है डिजिटल केमिस्ट्री वाले हैं भैया, उनका बहुत धन्यवाद। मतलब इस तरह से हम लोग कई स्ट्रक्चर बना करके सीख भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन युग्म बचा, इसे हम इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया तो क्या होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवेलेंट, पोलर एंड नॉन पोलर। तो हम लोगों ने आज इतना पर्याप्त सीखा, तो आज लग रहा है डीप स्टूडेंट्स नहीं है तो सर भी नहीं जोड़ पाए हैं। कोई बात नहीं, तो आज की हम लोग क्लास पे यहीं रखते हैं। आज तीनों प्रकार के बॉन्ड भी आपने सीख लिए और मानव ने क्वेश्चन पूछा तो सिग्मा और पाई के बारे में भी जानकारी मिल गई, और थोड़ा डीप स्टडी जब आगे बढ़ेंगे थैंक यू सर। संकरण में। हाँ, तो जब हम लोग संकरण में पहुंचेंगे तो वहां पर और सिग्मा पाई के बारे में और चर्चा करेंगे। तो फिर आज का जो, हाँ नमस्कार सभी लोगों को। मेरे ख्याल से आपको बहुत एंजॉय किया होगा आपने, तो केमिस्ट्री एंजॉय करने की चीज है, एंजॉय करिए और आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है बेटा, ये वीडियो भी अपलोड कर ठीक है देते हैं हम सर। आपको। थैंक सर जी, बताइए। सर मतलब ये हम मतलब ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो सर इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होना जरूरी है सर। हाँ, इसीलिए तो कहा हमने। तो अभी हम लोग इसकी बात करते हैं, और थोड़ा सा सर इसको कवर कर लें, इसके बाद आखिरी में बात करते हैं मान लो। ठीक है, अब ओके सर देखते हैं, अभी देखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन याद होना बहुत जरूरी बेटा जी। यहाँ देखिए सोडियम क्लोराइड का बनना, कॉन्फ़िगरेशन में अब कितना रह गया सोडियम आयन का, 2 8, क्लोरीन का 2 8 8। तो मतलब स्टेबल स्थायित्व को पाने के लिए ही ये बॉन्ड बनते हैं बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, तो इसे हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। इस वीडियो को मैं आपको आज अपलोड भी कर दूंगा आपके इसमें ग्रुप में, तो आप लोग उसमें भी देखिएगा ध्यान से सभी लोग। जी तो बताइए, इसमें कोई समस्या तो है नहीं किसी को? सोडियम आयन का बनना, ये NaCl है। देखिए NaCl का स्ट्रक्चर जो होता है, ये साल्ट स्ट्रक्चर हम बोलते हैं इसे। ऐसा बनता है क्यूबिक स्ट्रक्चर, अगर आप पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट में तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है ये। अब देखिए कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में आते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में अगर हम लोग चर्चा करें, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन शेयरिंग से बन रहे हैं, ये सारे एग्जाम्पल है। अभी जैसे मान लीजिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स अगर होगा तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, इस तरह से बनेगा। देखिए हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो आपस में शेयर कर लेंगे तो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बना। तो बेसिकली ये समझ में आता है कि जो हमारे जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो हमारा सबसे ज्यादा शेयरिंग पे होता है। दो तरह के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, जैसे अगर इलेक्ट्रॉन पेयर के बेस पर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर। तो हम लोग एक बार फिर से देखते हैं उसको। स्क्रीन सबको दिख रही है? नहीं, बस। अच्छा, सॉरी हट गई, कोई बात नहीं। तो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में आ गए, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन पेयर के बेस पर हम डिसाइड करते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड उसे बोलते हैं जहां एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, सिंपल जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। देखिए एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही, तो ये यहाँ पर वन सर इलेक्ट्रॉन आवाज पेयर नहीं हो आ रही, रहा है सर। तो यहाँ पर देखिए आ रही वन है सर। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर वन है, वहां आपके बेटा नेट में प्रॉब्लम होगी, यहाँ से कोई दिक्कत वीडियो नहीं। चल रहा है सर ना? देखिए हम बोल तो रहे नहीं, ये वीडियो है। ये देखिए आप ध्यान से, ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉन, ये आपस में क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं।
शेयरिंग करने के बाद में दो बॉन्ड बना, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए दो। इसी तरह दो देखिए, यहां पर ध्यान से देखिएगा, तो ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बना थे, ओ टू मॉलिक्यूल बने। सिंगल था तो छह थे, जब डबल हुए तो आठ आठ हो गए। इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। शेयरिंग ऑफ थ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर हो जाए, एग्जांपल क्या है N2, थ्री इलेक्ट्रॉन्स का एग्जांपल N2 है। यहाँ पे थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर एक साथ आ जाते हैं। देखिए ध्यान से कैसे शेयरिंग कर रहे हैं। नाइट्रोजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन पांच होते हैं जो कि अस्थाई है, शेयरिंग के बाद तीन तीन इलेक्ट्रॉन लेके आठ हो जाते हैं, है कि नहीं है सर? ऐसा होता है तभी तो आगे बढ़ गई है, तो इसलिए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बने। अब कोवेलेंट बॉन्ड में शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर की टेंडेंसी के बेस पर कोवेलेंट बॉन्ड जिसे हम बोलते हैं पोलर बॉन्ड, उसके बारे में चर्चा करते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींच लेते हैं भाई, अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इसी के बेस पर हम कहते हैं पोलर, और जो नहीं हो पाता उसे नॉन पोलर। इलेक्ट्रॉनों खींचने वाले के बेस पे है कौन इलेक्ट्रॉन ज्यादा अपनी तरफ ले ले रहा है। अनइक्वल शेयरिंग होगी तो पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज बन जाएंगी, और अगर इक्वल शेयरिंग होती तो चार्ज नहीं बनते हैं। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव अगर एटम होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा होती है, मोर पुलिंग पावर होगी, है ना। अनइक्वल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस के कारण ऐसा होता है। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन में हाइड्रोजन पॉजिटिव नेचर वाला है और फ्लोरीन निगेटिव, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन पुलिंग की टेंडेंसी ज्यादा होती है, मोर पावर है पुलिंग पावर, इसलिए इसमें बीच जो बॉन्ड बनेगा वो पोलर नेचर होगा, यानी पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पर और पार्शियल निगेटिव फ्लोरीन पर, इन्हें हम बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर और नॉन पोलर भी इसीलिए पढ़ा दे रहे हैं क्योंकि अभी इसके बाद आप लोग बाकी नोट से पढ़िएगा, ध्यान दीजिए। कुछ इस तरह से हो गया, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हाइड्रोजन से क्लोरीन की तरफ जा रहा है, सब बहुत ध्यान से इसको देखें। हाइड्रोजन ग्रुप वन में है, एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो डोनेट कर देगा, फ्लोरीन ग्रुप सात में है, सात बैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो अनइक्वल शेयरिंग होने के कारण, क्योंकि फ्लोरीन बहुत निगेटिव है तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ले लेगा, शेयरिंग तो होगी लेकिन इलेक्ट्रॉनों का फ्लो जो है फ्लोरीन तरफ ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। आवर्त सारणी में हम लोग पढ़ चुके हैं ये प्रॉपर्टी, है ना, ये बात समझ में आ गई। रिंग एक ही इलेक्ट्रॉन की है लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण ये बॉन्ड जो है पोलर बन गया। नॉन पोलर हम लोग पढ़ ही चुके हैं अभी, कि जैसे हाइड्रोजन के बीच भैया को एकदम दोस्ती का, बिल्कुल एकदम यारी दोस्ती है, न इधर न उधर, बिल्कुल बीच में इलेक्ट्रॉन बने रहेंगे, इसे हम बोलते हैं इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, दोनों भाई जैसे, एक जैसा चेहरा, एक जैसा नेचर, कोई आपस में लड़ाई नहीं, कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं, तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी एकदम बराबर, इसे हम बोलते हैं इक्वल शेयरिंग। इसके जरिए बनता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड।
और आगे भी आप अभी हम जैसे ढेर सारे बॉन्ड के बारे में हम लोगों जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में भी पढ़ा, तो कई चीजें आपको मिलेंगी इसमें, और भी आप देखना चाहें तो और भी हम लोग इसमें और आगे स्टडी करते हैं, तो इससे आपको सर एक एकदम सिम्मा बॉन्ड भी तो होता है। सिंगल बॉन्ड को ही बेटा सिग्मा बोलते हैं, उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे, और डबल बॉन्ड अगर आ गया तो पाई बॉन्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मान लो यस सर, सिंगल बॉन्ड थैंक यू सभी सर। हमारे जो है इक्वल शेयरिंग से जो बनते हैं बेटा वो सब सिग्मा होंगे, है ना। सिग्मा वहीं यस पे आते सर, हैं, सिर्फ सिग्मा और पाई बॉन्ड की जो स्टडी होती है वो पोलर में नहीं हो सकती, हम नॉन पोलर में ही करते हैं, यानी सिग्मा और पाई की चर्चा हम कोवेलेंट बॉन्ड के नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में ही करते हैं। जैसे यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच अगर एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है तो सिग्मा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच अगर हम ले लेंगे एग्जाम्पल तो डबल बॉन्ड तो बनेगा जिसमें पाई। एक सिग्मा होगा और एक पाई, सभी सिंगल बॉन्ड सिग्मा है बेटा, है ना, कोवेलेंट सभी बॉन्ड में। डबल बॉन्ड पाई। और अगर डबल बॉन्ड एक सिंगल के बाद दूसरा बॉन्ड आ गया तो वो पाई, जैसे हमने कह दिया कि दो दोस्त हुए, जैसे मान लीजिए दो घरों में शादी हो रही लड़के लड़की, तो उनके बीच बॉन्डिंग हो गई, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, तो बाकी लोग भी पार्शली जुड़ जाते हैं, एक परिवार दूसरे परिवार से जुड़ ही जाता है, लेकिन मजबूत बॉन्डिंग क्या है, यस सर, लड़के और लड़की में है। तो उसी तरह से सिग्मा बॉन्ड बहुत मजबूत होता है, जबकि पाई बॉन्ड पार्शली मजबूत है, मतलब मजबूती है लेकिन अस्थायी रूप से है ना, उतना जिम्मेदारी नहीं है। नहीं समझे, है समझ ना, गए कुछ इस तरह सर, से देखिए। समझ गए सर, समझ तो गए ये सर। जीवन में भी केमिस्ट्री है। अब देखिए जैसे यहाँ देखिए फ्लोरीन फ्लोरीन है, अब इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी हो रही, बॉन्डिंग है, तो सिग्मा बॉन्ड भी हम इसे कह सकते हैं, सिंगल बॉन्ड भी, क्योंकि सेम एटम है तो सिग्मा मजबूत होगा, हिला नहीं टूटेगा, मजबूत जोड़ जिसे बोलते हैं, शादी एक बार हो गई थोड़ी टूट जाएगी। तो इसी तरह से सिग्मा बॉन्ड मजबूत है, पाई बॉन्ड कमजोर होता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो अगर समान गुणों वाला जब तत्व तो होता है तो उनमें हमारा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, अगर सिंगल है तो सिग्मा, अदरवाइज डबल है इसके बाद तो पाई, पहले सिग्मा बनेगा तभी पाई बनेंगे, ये रूल है। ठीक है बेटा, तो हम लोग थोड़ा सा सर अभी ये ब्रेक दिया गया। जी बोलिए। सर इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं है सर? न्यूमेरिकल नहीं, देखिए अब आप लोग और आगे देखिए, हम लोग न्यूमेरिकल नहीं इसी में भी अभी बनाने को आता है, तो यहाँ देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, सर यहाँ देखिए नाइट्रोजन का लोन पेयर कैसे हाइड्रोजन पे जा रहा है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, इसे हम डेटिव या डाइपोलर बॉन्ड। डेटिव मतलब जानते हैं बेटा क्या होता है? डेटिव का मतलब होता है देने वाला, दे भी रहा है, और पोलर तो होगा ही होगा क्योंकि एक पे पॉजिटिव बनेगा एक पे नेगेटिव। यहाँ देखिए एग्जांपल कैसा नाइट्रोजन में चल रहा है, अमोनिया का एग्जांपल है, अमोनिया के पास जो है एक लोन पेयर बच रहा है नाइट्रोजन में, बैलेंस सेल में बच रहा है, इसे हम लोन पेयर। तो बॉन्डिंग में जो अगर अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं अगर वो पेयर के रूप में है ना बेटा, जो किसी से भी साझेदारी में भाग नहीं ले रहे हैं, उन्हें हम लोन पेयर कहते हैं। मेरे ख्याल से लोन पेयर आप समझ गए कि मान लीजिए नाइट्रोजन की अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, तीन उसको चाहिए, कितने, 3 चाहिए, उसने 3 हाइड्रोजन से साझेदारी कर ली तो 8 तो हो गए, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन जिसने साझा नहीं किया वो एक पेयर के रूप में शो करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन जोड़ा। और ये क्या काम करता है, ये सिर्फ किसी को दूसरे को डोनेट किया जा सकता है, यानी डेटिव नेचर का होता है या डोनर नेचर का। तो अमोनिया का स्ट्रक्चर आपके सामने है, आप देख रहे होंगे, बताइए, तो अमोनिया में कोई समस्या तो है नहीं क्योंकि नाइट्रोजन की अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो 3 ने तो शेयरिंग कर ली 3 हाइड्रोजन के साथ, 8 हो गए, मगर 2 इलेक्ट्रॉन जो बच गया उसको 2 ड्रॉप ऐसा दिखते हैं, इसे हम लुईस डार्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं, है ना बेटा, ये हम लुईस डार्ट
स्ट्रक्चर बोला जाता है, इसे हम लोन पेयर बोलते हैं। लोन पेयर का और बाकी जो बॉन्डिंग में भाग लेते हैं पेयर, उन्हें हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। बोलिए कोई समस्या इसमें? तो बॉन्डिंग बॉन्डिंग बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और अभी आप लोग और भी चीजें दे सकते हैं, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं अभी, मान लीजिए यहाँ पर देखिए, जैसे कि एग्जांपल दिया जा रहा है यहाँ, क्या नाम है, यहाँ पर एग्जांपल कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का दिया जा रहा है कि हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब हो गया बेटा कि उसके पास एक बैलेंस, ऐसा हमारा एक ऑर्बिटल है, ठीक है, ऑर्बिटल है जिसमें हमारे उसके दो इलेक्ट्रॉन बच गए, जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। पहले थे दो इलेक्ट्रॉन ऊपर और नीचे, लेकिन बाद में वो सब गायब हो गए, इसे हम बोलते हैं डेफिशिएंट। तो ये हाइड्रोजन जो है हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बताइए किसी की समस्या? और ये देख रहे हैं नाइट्रोजन इसको फिर डोनेट कर देगा, तो जो नाइट्रोजन के पास ये था इलेक्ट्रॉन, ये इसको ऐसे डोनेट कर रहा है। कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि इसके पास जो खाली कक्षा थी, अगर ध्यान से देखेंगे तो इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, उसी में ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, है ना। डोनेट करने के कारण ही इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाया है कि नहीं, बताओ बेटा। ये जो बॉन्ड देख रहा है ये, इसे भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, पिंक कलर में नजर आ रहा सभी को जी? हाँ, जुड़े रहिए भैया सभी लोग। अब इसी तरह एग्जांपल देखिए H3O प्लस में भी, ये जो बॉन्ड है बेटा, मतलब सब सिस्टम है इसमें, यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है ना बेटा, ये पिंक कलर में। तो कुछ इस तरह से हमारा जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल। अब भैया ऑक्सीजन में छह होते हैं अंतिम कक्षा में, से चाहिए कितने? दो ही चाहिए। तो इसने क्या किया, सिर्फ दो हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ली, है ना बेटा, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ली। यानी एक अगर इसका है, एक इसका है, एक इसका, एक इसका, इस तरह से साझेदारी हुई। लेकिन बाकी जो ये दो बच गए वो हमारे जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म। तो यानी एक एक इलेक्ट्रॉन हट से शेयरिंग कर लिया बैलेंस सेल से, इस तरह से हमारा जो है ये डोनेट हो करके। अब इसके पास भी डोनेशन नहीं है, लेकिन इसके पास लोन पेयर है। अब ध्यान से देखें तो ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, मैं आपको इसमें गोला बना दे रहा हूँ, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला और ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाता है, ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाता है। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं। बताइए कोई समस्या इसमें? नो सर। और भी एग्जांपल चाहिए क्या? तो यहाँ तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं, लेकिन ये बना सकता है। ये भैया किसके यहाँ पे माइक ऑफ कर लेना बेटा, मानव का तो ठीक है, चलो ठीक। ऐसे ही और अगर हम बोलेंगे तो ये हमारे जो है डिजिटल केमिस्ट्री वाले हैं भैया, उनका बहुत धन्यवाद। मतलब इस तरह से हम लोग कई स्ट्रक्चर बना करके सीख भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन युग्म बचा, इसे हम इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया। तो क्या होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवेलेंट, पोलर एंड नॉन पोलर। तो हम लोगों ने आज इतना पर्याप्त सीखा, तो आज लग रहा है डीप स्टूडेंट्स नहीं है तो सर भी नहीं जोड़ पाए हैं, कोई बात नहीं। तो आज की हम लोग क्लास फिर यहीं रखते हैं। आज तीनों प्रकार के बॉन्ड भी आपने सीख लिए, और मानव ने क्वेश्चन पूछा तो सिग्मा और पाई के बारे में भी जानकारी मिल गई, और थोड़ा डीप स्टडी जब आगे बढ़ेंगे।
हाँ तो जब हम लोग शंकरा में पहुंचेंगे तो वहां पर और सिग्मा पाई के बारे में और चर्चा करेंगे। तो फिर आज का जो, हाँ नमस्कार सभी लोगों को, मेरे ख्याल से आपको बहुत एंजॉय किया होगा आपने, तो यस केमिस्ट्री एंजॉय करने की चीज है, एंजॉय करिए और आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है बेटा, ये वीडियो भी अपलोड कर दे।